वेलकम टू पार्ट टू ऑफ आवर क्रूज ट्रिप। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखो। लिंक इज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डिनर के बाद अभी हम बैठे हैं लाउंज में और ये है शिप के फ्रंट साइड में। हमने आपको पार्ट वन में क्रूज का बैक साइड दिखाया था। नाउ यू कैन एन्जॉय दिस नाइस व्यू फ्रॉम द फ्रंट साइड। इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ से हम लोग आपको लेके जाएंगे कुछ शोज़ दिखाने। यहाँ पे रात में डांस शोज़, लाइव म्यूज़िक ये सब होता है। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय द पार्टी। दोस्तों रात को 1 बज रहे हैं और ये हमारा जो शिप है ऑलमोस्ट एम्प्टी है। सब लोग अपने रूम्स में जाके सो चुके हैं और ये जो ऊपर आप देख रहे हो गुलाबी लाल ये लाइटें, ये एक्चुअली कमरों की खिड़कियां हैं बट क्लोज्ड है, यू कैन नॉट ओपन दैट। और सो रहे हैं लोग, काफ़ी खाली हो गया है क्योंकि रेस्टोरेंट्स, बार्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ क्लोज है और बस इट्स स्लीपिंग टाइम। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आवर एक्सपेंसेस। इस क्रूज पे टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग एंड कैबिन का कॉस्ट हमें पड़ा 247 यूरोस फॉर 4 ऑफ अस, विच मींस 62 यूरोस पर हेड, विच इज वेरी इकोनॉमिकल। वी बुक्ड द बी क्लास कैबिन बट देर इज वन मोर चीपर ऑप्शन अवेलेबल विच इज अ सी क्लास कैबिन वर्थ ओनली 207 यूरोस फॉर 4 पीपल। एंड ऑल्सो there are so many other types of bigger cabins available for more comfort but they are expensive. You can find all the details in the description along with the booking link. Good morning guys, ye hai hamare trip ka day 2 aur hum log pahunch gaye hain Stockholm। अभी ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं और घूमने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं। अब देखते हैं हम इसमें कितना घूम पाते हैं, बट यहाँ पे हम जो भी एक्सप्लोर करेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस इन दिस सीरीज। और यहाँ हम आपको मिलेंगे शाम को व्हेन वी विल स्टार्ट अवर रिटर्न जर्नी। चेक इन कर रहे हैं हम लोग हमारी रिटर्न जर्नी के लिए। यहाँ पे मुझे 2-3 शिप और मिले हैं इस पोर्ट पे। ये देखो ये जो शिप है ये एक और शिप है और ये वाला एक और। तो ये पोर्ट पे एक्चुअली बहुत लोग ट्रैवल करते हैं शिप से, इसलिए कई सारे शिप्स हैं यहाँ पर। दोस्तों टाइम पे पहुंच गए हैं दौड़ते। दौड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि हमको ब्लॉग कंप्लीट करना था जिससे आप लोग के पास में सारी जानकारी पहुंच पाए, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। राइट यार, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके ब्लॉग के लिए, तो यार इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है। सेवेंथ डेक पे आया हूँ अभी स्पेशली आपको ये सेफ्टी बोर्ड दिखाने के लिए। मेरे पीछे देख सकते हो
सेफ्टी बोट्स हैं, इनका पर्पस तो डेफिनेटली आपको पता है, बट इन केस अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ डिजास्ट्रस या कुछ ऐसा अनवांटेड, तो डेफिनेटली हमको ये इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वी होप कुछ ऐसा हो ना। बट ये काफ़ी बड़ी बोट्स हैं, हमको शायद वीडियो में आपको ये बहुत छोटी लग रही होगी, बट ये काफ़ी बड़ी बोट्स हैं। अगर आप देखोगे, ये देखो काफ़ी बड़ी है ये, मतलब आराम से इसमें एक बोट में 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी बड़ी बोट है। तो ये सेफ्टी बोट दिखाना चाह रहा था मैं आपको, क्योंकि ये सारी सेफ्टी बोट्स दोनों साइड में, अभी हम लोग एक साइड पे हैं, तो ये दोनों साइड में 7th फ्लोर पे या 7th डेक पे ये इंस्टॉल्ड है। दोस्तों अब आप ले लो ये बाल्टिक सी में सनसेट का मज़ा। मेरे पीछे सनसेट हो रहा है और टाइम हो रहा है अराउंड 9:45, 9:45, और इस समय हो रहा है अभी सनसेट, और बहुत सुंदर लग रहा है। आप चेकआउट करो और कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है सनसेट। आप ये देखो, मैं पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो आप सनसेट, और सनसेट के साथ में आपको एक शिप और दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा, बहुत दूर है वो क्योंकि हमसे, और इतना ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा लाल कलर का आसमान हो गया ऊपर, ये देखो है ज़बरदस्त। हम लोग पहुंच गए हैं हेलसिंकी। आप लोगों को हमारे क्रूज का एक्सपीरियंस कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट दिस ट्रिप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हमारे नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमने 4 घंटों में स्टॉकहोम में क्या किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।